दोस्तों आप देख रहे हैं 11वीं क्लास का रसायन शास्त्र का सेट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट को, और इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के सॉल्व कर दिए गए हैं, उनको देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के कर दिए गए, अकाउंट्स के कर दिए गए हैं, इस तरह से जो आपके फिजिक्स के कर दिए गए हैं, जो बच्चे साइंस में हैं उनके साइंस के कर दिए गए हैं, जो आर्ट्स के हैं आर्ट्स के कर दिए गए हैं, कॉमर्स के कॉमर्स के कर दिए गए हैं। तो आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। और जैसा मैं बता चुका हूँ, 2021 के 4 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए थे, पढ़ लेना, और 2022 के 5 करवा रहा हूँ अभी, 2022 के आपके जो है अभी 3 लागू है, ये कर लेना। और इसके अलावा मासिक जांच परीक्षा के पेपर पढ़ लेना भैया, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपका काम आसानी से बढ़िया बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ग्लूकोज के समान है, यानी ग्लूकोज जैसा सूत्र है तो कौन सा है? CH3CHO, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, कितने उपकक्षकों के लिए निम्न क्वांटम संख्या संभव है? तो एक के लिए संभव है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा बताऊं मैं आपको, इतने क्वेश्चंस आपके बनाए हैं सभी के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस 9th 10th 11th के, कि मेरा मतलब गला सूख गया है और पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं गुजरी है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना वीडियो बना रहे हैं, बोले जा रहे हैं और बोल क्यों रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, इनमें से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? तो 24 ग्राम जो आपका कार्बन है इसमें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यौगिक CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और H2O जल में कुल परमाणुओं की संख्या बतानी है आपको, 5H2O है, तो कुल कितनी हो जाएंगी इसमें आपकी, टोटल आपको काउंट करना आना चाहिए, 21 होंगी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वर्ग 2A के तत्वों को कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको? क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 20 है वह आवर्त सारणी के किस आवर्त में आएगा? तो वो 4 नंबर में, 4 आवर्त सारणी में आएगा। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन करें, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और 111 ग्राम CaCl2 में उपस्थित कुल आयनों की संख्या जो है कितनी होगी? तो 1 मोल होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें पूछा गया है, CrZ की वैल्यू दे रखी है आपको 24, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3D5 4S1, ठीक है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका दे रखा है क्या है कि 1/3 के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 14 हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया है, आवर्त सारणी का सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 1 ATM पर, 1 एटमोसफियर पर 1.01 पास्कल नहीं होता है, ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जिप्सम लवण का जो सूत्र है वो आपको बताना है, तो CSO4 × 2H2O होता है, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है। निम्न में लिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म जिसमें दोनों गैस N2 गैस से भरी हैं वो आपको बताना है, तो वो है आपका CO2 और SO2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, CaC2 जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो क्या देता है? एसिटिलीन देता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन। इसके बाद 15 नंबर है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम एवं 1 bar दाब पर 8.8 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो 5.05 होगा। इसको निकालने के लिए अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। 16 नंबर है, यौगिक का IUPAC नेम बताना है, आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2,3-dimethyl pentane हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, इनमें से कौन सा मुक्त मूलक अत्यधिक स्थायी है? तो इसमें आपका हो जाएगा C6H5CHCS3, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। इसके बाद इनमें से कौन सा धातु विद्युत अपघटन द्वारा नहीं बनाया जाता? तो आपका Fe आयरन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में यहाँ पे अणुओं में CC बंध का संकरण बताना है आपको, तो इसमें है SP2, ठीक है। इसके बाद में धवन सोडा को गर्म करने पर जो है आपको क्या निकलता है? तो जल वाष्प निकलता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है, 10.6 ग्राम Na2CO3 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1.806 × 10⁻²³, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, इनमें से किस आयनों के युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा?
तो Fe3 और Mn2+ का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें HeHe+ और Li2+ प्रथम कक्षक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 6:3:2 होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में किसी विलयन में विलय की मोलों एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उसको मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रखना है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं ये भी आपको फॉर्मूले के रूप में भी दे सकता है, फॉर्मूला पूछ लेगा कि ये फॉर्मूला किसका है। इसके बाद 25 नंबर है, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, यह कथन किससे संबंधित है, तो ये पॉलिस जो है ना, पॉली, उसका अपवर्जन सिद्धांत है, उसको आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायल का गैस नियम इनमें से किसके बीच संबंध बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम यानी दाब और आयतन में बताता है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 27 नंबर, एक समान आयतन वाले 3 पात्र ABC में क्रमशः ऑक्सीजन, नियॉन और मीथेन समान ताप एवं दाब पर भरा हुआ है, तो उनका बढ़ते क्रम में द्रव्यमान कौन सा कैसे होगा, तो उसका सही क्रम क्या होगा, तो पहले सी होगा जो छोटा होगा बी से, और बी जो है छोटा होगा ए से, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें से K+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये है AR के साथ में, आर्गन के साथ में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद में इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, तो इसमें Cl- स्नेही नहीं है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में CX बंध के असमान विखंडन से प्राप्त होता है, तो आपका कार्बोनेशन यानी कार्बोधनायन प्राप्त होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 31 नंबर है, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही घटता हुआ क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे जो सही होगा C बड़ा होगा B से और फिर उसका B बड़ा होगा आपका Li से, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिथियम से। इसके बाद 32 नंबर है, एल्डिहाइड और कीटोन हैं, तो वो क्या है, क्रियात्मक समूह का समावय, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर से। इसके बाद में नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम बताना है आपको, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बड़ा होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बड़ा होगा एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम बड़ा होगा सिलिकन से। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेरणीय प्रभाव में होता है, तो क्या होता है, जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने प्लेलिस्ट जरूर देखना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सभी के सोल्यूशन मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना क्या है, सिंपली जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारे आंसर्स मैं बता चुका हूँ। आंसर्स जल्दी जल्दी बनाने का रीज़न ये है, ब्लैकबोर्ड पे समझाने का या मोबाइल पे समझाने का समय कम है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रोजिना, इतने मैसेज इतने कमेंट आ रहे हैं ना कि मैं खुद परेशान हूँ, और ऑब्वियस सी बात बताऊँ मैं आपको, तो रोजिना वीडियो 10-10 वीडियो बना बना करके फिर बोल बोल के समझाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, कंटिन्यू बोलने से हमारा गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो बनाते बनाते, मतलब हम थक चुके हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ रही है। तो आशा करता हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखेंगे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करना मत भूलना, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो भी वीडियो डालूंगा उसको आपको पहले मिल जाएगा। मासिक जांच परीक्षाओं के अगर पेपर आते हैं होते हैं तो मैं उनको भी सॉल्व करके डालूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, नवंबर एग्जाम के भी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।